हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ मसूर दाल के पकौड़े की कढ़ी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले इसके लिए ले लेंगे 100 ग्राम मसूर के दाल, और इसे मैंने 4 घंटे भिगो दिया था। और ये लेंगे यहाँ पर 250 ग्राम दही, 6-7 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच जीरा और 1 लाल मिर्च और 3 से 4 हरी मिर्च। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का प्याज को हमने महीन बारीक चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें लहसुन और 3 मिर्च डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च डालिएगा। और इसमें आधा मसूर की दाल डाल लेंगे, जितना जार में पिसाज आए उतना डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने इसका पेस्ट बना लिया और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बाकी बचे मसूर के दाल को भी हम पीस लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के पीसेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा ही डालिएगा। और इसे प्लेट में दूसरी तरफ रख लेंगे। हमेशा बिना मसाले और मसाले वालों को अलग अलग ही रखेंगे। तो चलिए एक बड़ा सा बॉल लेंगे और उसमें सबसे पहले दही को डाल लेंगे। और उसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आपके पास कुछ भी मिक्स करने वाला हो तो उसे मिक्स करें, नहीं तो हाथ से ही मिक्स कर लीजिएगा। अब मसाले वाला दाल की पेस्ट को डाल लेंगे। आधा से ज़्यादा ही पेस्ट डाल लेंगे और थोड़ा सा बिना मसाले वाला पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए सारा प्रोसेस हम पहले ही कर लेते हैं। अब इसमें कढ़ी की क्वांटिटी के अनुसार हम पानी डाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इतना पानी डाल लिया है और इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे अलग रख देंगे और जो पेस्ट बचा हुआ है ना उसमें हम प्याज डाल लेंगे और थोड़ा सा जीरा भी डाल लेंगे, इससे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और एक हरी मिर्च को इसमें महीन बारीक चॉप करके डाल लेंगे। तो मैं यहाँ आधा ही मिर्च डाल रही हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल लेंगे और इसे हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट तक पेस्ट को हल्का होने तक मिक्स कर लेंगे ताकि पकौड़ा फ्लफी बने, सॉफ्ट बने। ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें 1 चम्मच हम तेल डालते हैं। मैं यहाँ 2 ट्रिक बताऊँगी पकौड़ा बनाने के लिए। तो ये फर्स्ट ट्रिक है, गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे। अब पेस्ट को थोड़ा थोड़ा हाथ से इस तरह से डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट को डाल लिया है। अब जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। वैसे मसूर दाल का पकौड़ा है तो ये काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें 1 चम्मच ऊपर से तेल डालकर इस तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। और अब 2-3 मिनट के बाद इस स्पैचुला से इस तरह से चला लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हम दूसरा ट्रिक बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक लगभग 4 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम पकौड़े के पेस्ट को इस तरह से गोल गोल शेप में डाल लेंगे और इस समय गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। जब इसका भी कलर चेंज हो जाएगा 2-3 मिनट के बाद तो इसे भी हम इस तरह से पलट लेंगे और इसे भी 2-3 मिनट पहले पकने देंगे। और उसके बाद इस तरह से इसे भी चलाते हुए कुछ देर फ्राई करेंगे। उसके बाद प्लेट में इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखिए दोनों तरह से हमारा पकौड़ा बन के तैयार है। इसी प्रोसेस में हम सारे पेस्ट को, पकौड़ों को तल लेंगे। जीरा डाल लेते हैं। जीरा को थोड़ा देर
तड़कने देते हैं। उसके बाद रेड चिल्ली को तोड़कर इस तरह से डाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। अब इसी में हम दही और दाल के घोल को डाल लेते हैं और इसमें एक उबाल आने देते हैं। ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो इस तरह का एक चम्मच लेंगे और उससे इस तरह से चलाएंगे ताकि ये बाहर ना गिर पाए। अभी देखिए अच्छे से उबलने लगा है, तो इसमें हम पकौड़ों को डाल लेते हैं। आप जितना पकौड़े चाहें उतना ही डालिए, बाकी सूखा हुआ खाने के लिए रहने दीजिए। तो मैं यहाँ इतना रहने देती हूँ और इसे थोड़ा देर चला लेंगे और इसे 6 से 7 मिनट तक इसी तरह से उबलने देंगे ताकि परफेक्ट कढ़ी बनकर तैयार हो। और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। और अब देखिए ये तैयार हो चुका है, तो गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। ये कढ़ी जितना टेस्टी होता है उतना हेल्दी भी होता है, क्योंकि मसूर की दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और मसूर के पकौड़े तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।